السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به وارحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس، يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. तमाम तारीफ और उसम की बड़ाई और किबरियाई सल्लाह रब्बुल आलमीन अहकमुल हाकिमीन इलाहुल आलमीन के लिए है, जिस अल्लाह तबारक व तआला ने हम सबको अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया और यही हम सबकी जिंदगी का बुनियादी मकसद है। इसी का हुक्म अल्लाह ताला ने दिया सबसे पहले, और इसी बात को समझाने के लिए अल्लाह ताला ने हर कौम और मिल्लत में अपने एक रसूल को भेजा, और इसी तौहीद को समझाने के लिए आसमान से किताबों का नुज़ूल हुआ। सुभानअल्लाह व अज़्ज़ा शानु, सुभानअल्लाह बिहम्दिही, सुभानअल्लाह अज़ीम। सलातु सलाम इसके बाद अल्लाह के आखिरी नबी इमामुल अंबिया मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाते ग्रामी पर, जिन्होंने हम तक अल्लाह की तौहीद पहुंचाई, शिर्क से हम सबको रोका, मना किया, अल्लाह का हक किस तरीके से अदा किया जाए ये बता दिया, सिखा दिया। अल्लाहुम्म सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद। اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد والصلاه के बाद आज 16 रमजान मुबारक 1442 हिजरी मुताबिक 28 अप्रैल 2021 ईस्वी ये रमजानी रमजान का खुसूसी दर्स कुरानी मिसालें आपकी खिदमत में पेश है। आज एक और एक आयत लेकर हम हाजिर हुए आपकी खिदमत में, जिसमें अल्लाह पाक ने एक जबरदस्त मिसाल दी है, और यह आयत सूरह हज की है, आयत नंबर 73। इस आयत करीमा में अल्लाह ताला ने मक्खी की मिसाल दी है, एक मामूली सा हकीर सा हैवान, परिंदा, मखलूक, अदना सी मखलूक। और ये मिसाल शिर्क जिन के जो लोग शिर्क करते हैं उनको समझाने के लिए कि जिनको तुम अल्लाह के साथ मिलाते हो या अल्लाह को छोड़कर जिनकी तुम इबादत करते हो, चाहे वो बुत हो, चाहे वो कोई भी मखलूक हो, नेक लोग हो, फरिश्ते हो, सालिहीन औलिया हो, चरिंद परिंद हो, दरख्त हो, हैवान हो, कोई भी हो, उनकी कमजोरी को बयान किया गया है, वो
एक मक्खी के खालिक नहीं हैं तो वो इबादत के लायक कैसे हो सकते हैं। उनकी आजजी, उनकी कमजोरी को बयान किया गया और शिर्क को समझाया गया। आइए देखते हैं, सुभान अल्लाह। अहले इल्म कहते हैं तफसीर में इस आयत के कि इस आयत में सबसे शानदार मिसाल अल्लाह ताला ने शिर्क की दी है, उसकी शिर्क के यानी शिर्क के बारे में अल्लाह ने मिसाल दी। और वाकई और सुभान अल्लाह, देखिए आयत शुरू हो रही है या अय्युहन नास, ए लोगो। सारी ये ईमान वालों से खिताब नहीं है। कुरान में जो खिताब है दो किस्म का है, या अय्युहन नास एक किस्म, या अय्युहल लदीना आमनू दूसरी किस्म। पहले किस्म या अय्युहन नास आम जनरल खिताब है जिसमें सारी दुनिया के लोग शामिल हैं, और या अय्युहल लदीना आमनू ए वो लोगों जो ईमान लाए हो खास खिताब है, ये सिर्फ अहले ईमान से मुराद है। अब यहां देखिए, चूंकि शिर्क और की मिसाल देनी है तो अल्लाह ने आम खिताब किया है, या अय्युहन नास ए दुनिया के लोगों, दुरिब मसलुन फस्तमिउ ला, एक मिसाल पेश की जा रही है, जरा गौर से इस मिसाल को सुनना। इन्नल लदीना तदउना मिन दुनिल्लाह, यकीनन वो लोग जिनको तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो, लन यखलुकू दुबाबा वलव इज्तमऊ ला, ये लोग जिनको तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो हरगिज ये लोग एक मक्खी को नहीं पैदा कर सकते अगर सारे लोग जमा भी हो जाएं, अगर सारे लोग जमा भी हो जाएं जिनको तुम पुकारते हो, चाहे वो औलिया हो, चाहे वो जिन हो या इंस हो, परिंदे हो या हैवान हो, किसी भी किस्म की मखलूक हो, ये लोग पूरे जमा होकर पूरे मिलकर एक मक्खी को नहीं पैदा कर सकते। وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْ, और अगर ये मक्खी कोई चीज इनसे ले भागे, अगर ये मक्खी कोई चीज छीन कर ले जाए, ये लोग सारे जिनको तुम पुकारते हो इनकी कमजोरी का हाल ये है, इनके नाचारी का हाल ये है, इनकी इनके दौफ का हाल ये है और इनकी आजजी का हाल ये है, वो मक्खी जो लेकर भाग जाए उसको ये लोग छीन नहीं सकते हैं। मतलू, ये कमजोर और मक्खी कमजोर, या इनको पुकारने वाले कमजोर और ये लोग कमजोर। अल्लाह अकबर, गौर कीजिए किस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत करीमा में उन लोगों की मिसाल पेश की है जो अल्लाह के सिवा दूसरों को पुकारते हैं। मक्खी से अल्लाह ने मिसाल, आयत में अल्लाह ने फरमाया या अय्युहन नास ए लोगो, दुरीबा मसलुन एक मिसाल पेश की जा रही है, दुरीबा मसलुन एक मिसाल पेश की जा रही है, अस्तमिउ ला जरा गौर से सुनना। देखिए अल्लाह ने फरमाया लोगों से खिताब करते हुए कि एक मिसाल यहां बयान की जा रही, मिसाल कौन बयान कर रहा है, अल्लाह ताला मिसाल बयान कर रहा है, और मिसाल बयान करके अल्लाह फरमाता है फस्तमिउ, एक होता है फस्मिउ एक होता है फस्तमिउ। जो अरबी ग्रामर थोड़ा भी पढ़े हुए हैं जानते हैं, उनको मालूम है कि दोनों का फर्क क्या है। फस्मिउ सुनो, फस्तमिउ गौर से सुनो, कान लगाकर सुनो जिसको कहते हैं, प्रॉपरली सुनो, तवज्जो से सुनो। यहां है फस्तमिउ ला, एक मिसाल पेश की जा रही है, एक मिसाल बयान की जा रही है, जरा कान लगाकर सुनना, जरा गौर से सुनना, जरा तवज्जो से सुनना। क्या मिसाल, इन्नल लदीना तदउना मिन दुनिल्लाह, यकीनन वो लोग जिनको तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो, पुकारना किसको है, अल्लाह, बुतों को पुकारेंगे, खैरुल्लाह को पुकारेंगे,
देखिए इन लदीन तदरों मिन दूनिल्लाह, यकीनन वो लोग जिनको तुम पुकारते हो, कौन लोग? फरिश्तों को तुम पुकारते हो, पैगंबरों को तुम पुकारते हो, औलिया को तुम पुकारते हो, किसको किसको नहीं पुकारा जाता है? मुशरिकीन जो है बुतों को पुकारते थे, नेक सालिहीन की जो कब्रें पुख्ता बनाए हुए थे उनको पुकारते थे, फरिश्तों को पुकारा जाता था, ईसा इब्ने मरियम को पुकारा जाता अल्लाह के सिवा। आज भी है लोग जो है अल्लाह के सिवा जिनको पुकारते हैं उनकी कई किस्में हैं, और वो सब गैरुल्लाह है। गैरुल्लाह ने अल्लाह के सिवा, और पुकारना अल्लाह को है, दुआएं अल्लाह के साथ की जाएंगी क्योंकि दुआ इबादत है, अल्लाह के सिवा किसी और को नहीं पुकारा जाएगा। अल्लाह ने फरमाया उद्उनी अस्तजिब लकुम, मुझको पुकारो मैं सुनूंगा, मुझसे मांगो मैं दूंगा। रमजान के रोजों के मुतालिक जो आयतें आई हैं उनमें से एक आयत है, इदा सअलक इबादी अन्नी फइन्नी करीब, जब मेरे बंदे मेरे बारे में नबी आपसे पूछे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फइन्नी करीब, उनको बता दो मेरे बंदों को मैं करीब हूं। इदा सअलक इबादी अन्नी फइन्नी करीब, उजीब दावत अद्दाई दादानी, मुझको पुकारेगा तो मैं दूंगा सुनूंगा, मुझसे मांगेगा मुझसे दुआएं करेगा बंदा मैं करीब हूं मैं दूंगा, उसकी सारी दुआएं मैं कबूल करूंगा। तो मांगना इबादत है, दुआएं बंदगी है, बल्कि आपको मालूम होना चाहिए दुआ असल इबादत है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अद्दुआ हुवल इबादा, दुआ ही असल इबादत। नमाज में दुआ, रोजे में दुआ, हज में दुआ, कुर्बानी में दुआ, जकात में दुआ, हर इबादत में दुआ है। या तो कुछ चाहिए या तो किसी से बचना है, जन्नत चाहिए जहन्नम से बचना है, मांग रहे हैं जन्नत, तलब कर रहे हैं जन्नत, और दोजख की पना मांग रहे हैं, दोजख से पना मांग रहे हैं। बहरहाल अल्लाह ताला फरमाता है इन्नल्लज़ीन तद्उन मिन दूनिल्लाह, यकीनन नो डाउट वो लोग जिनको तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो, लन यख्लुकू दुबाबा, सुनो मिसाल को गौर से, वो लोग हरगिज एक मक्खी नहीं पैदा कर सकते। भाई जिसकी इबादत की जाए, तफसीर में लिखा गया है कि अगर तफसीर में लिखा गया अगर बंदा इस एक मिसाल को जो सूरह हज की आयत में अल्लाह पाक ने बयान की है गौर से सुने समझे गौर करे, उसका दिल शिर्क से हमेशा नफरत करे, वो कभी उसका दिल गैरुल्लाह से नहीं लगेगा, ताल्लुक अल्लाह से होगा, गैरुल्लाह से अपना नाता नहीं जोड़ेगा, अपना दिल नहीं लगाएगा गैरुल्लाह से, क्योंकि ऐसी मिसाल अल्लाह दे रहा है। अल्लाह कहता है हरगिज ये मक्खी नहीं पैदा कर सकते। मक्खी एक मामूली सा हैवान, एक अदना सी कमजोर सी मखलूक। आपको पता है ना मक्खी कितनी कमजोर मखलूक है, आप उसकी कमजोरी का यह आलम है, एक फूंक मारो तो उड़ जाती है। अगर आपकी उंगली पर मक्खी बैठी भी है, उंगली को थोड़ी हरकत दीजिए उड़ जाएगी, घबरा जाती है, परेशान हो जाती है, छोटी सी आजिज अदना कमजोर रईफ मखलूक है। अल्लाह कहता इसको भी पैदा नहीं कर सकते वो लोग। देखिए ये क्यों बयान किया, इसलिए कि जिसकी इबादत की जाती और जिससे मांगा जाता है, जिसको पुकारा जाता है, जिससे दिल जोड़ा जाता है, कम से कम वो किस ऐसा वो उसके अंदर इतनी कुदरत तो होनी चाहिए कि वो ऐसी चीजें बनाए जिससे मांगने वालों को फायदा हो। माबूद का ये हक है भाई, माबूद का ये काम है, माबूद जिसकी इबादत की जाती है, जिसको पुकारा जाए, वो फायदा देना भाई, इसलिए पुकार रहे हैं, सुनकर फायदा दे। तो फायदा देने वाली चीजों को बनाना पड़ेगा, उसको ऐसी चीजें पैदा करना जिससे उन आबिदों को, उन पुजारियों को, उन मानने वालों को फायदा हो, और उनको जिन चीजों से नुकसान होता है वो चीजें ये दूर करे। माबूद है ना भैया, इबादत की जा रही है, इबादत माबूद तो ये काम तो करना चाहिए, फायदा और नुकसान दोनों का ख्याल करना अपने मानने वालों का। अब इनका हाल यह है कि फायदा देने वाली चीजें तो दूर, एक मक्खी नहीं बना सकते ये। नहीं यखलुकू दुबाबा, अल्लाह ने चैलेंज किया है,
वाला विशेष मामूला पूरे जमा हो जाए, कितनों को पुकारा जाता है अल्लाह के सिवा, 1 करोड़ को, 1,000 को, 10,000 को, सारे लोग जमा हो जाए। अच्छा, यहां जमा हो जाए से एक बात मालूम होती है, बड़ा फायदे, बड़े फायदे की बात। और लोग क्या कहते हैं, भाई ये आयत आप हमको क्यों सुना रहे, हम तो औलिया को औलिया को पुकारते हैं जो कब्रों में जिंदा है। अब ये मक्खियों की पैदा करना, ये अल्लाह ने चैलेंज किया बुतों को जो बुतों की इबादत करते थे। क्योंकि एक कंफ्यूजन खतरनाक किस्म का आपको पता है क्या है, जो मैंने बताया पिछले इन दुरूस में, यही जो पुरानी मिसालें चल रही बताया था, एक कंफ्यूजन खतरनाक किस्म का, ये दरगाह वगैरह कब्र वालों की इबादत करते हैं ना जो लोग, उनका क्या है कि भाई ये शिर्क नहीं है, शिर्क वो है क्या, बुतों को अल्लाह की इबादत में मिलाना। अरे पागलो, कम अकलो, अहमको, अल्लाह हिदायत दे तुम्हें, अल्लाह समझे, जरा पढ़ो कुरान की आयतें, जरा समझो ना कुरानी मिसालों को, पता चले कि व्हाट इज शिर्क। शिर्क अल्लाह की इबादत में दूसरों को मिलाना है, वो मिलाया जिसको जाए, वो चाहे पत्थर हो, चाहे दरख्त हो, चाहे लकड़ी हो, चाहे झाड़ हो, चाहे आसमान हो, चाहे जमीन हो, चाहे जानवर हो, चाहे इंसान हो, चाहे नेक हो, चाहे बद हो, किसी को भी मिलाया जाए। क्या आपने वो आयतें नहीं पढ़ी कुरान में कि ईसा अलैहिस्सलाम पूछेगा, अल्लाह ताला ईसा अलैहिस्सलाम को पूछेगा, क्या तुमने लोगों से कहा था कि मेरी और मेरी अम्मी की इबादत करो? अब ईसा अलैहिस्सलाम कौन थे भाई, पैगंबर। तो आप कुरान पढ़ के देखें, फरिश्तों को अल्लाह की इबादत में मिलाते, दूसरों को अल्लाह की इबादत, शिर्क आ गया उनको। क्या मुशरिकीन मक्का सारे बुत परस्त है? समझने की चीज है। तो यहां अल्लाह ताला फरमा रहा है, चैलेंज कर रहा है कि ये लोग एक मक्खी को नहीं पैदा कर सकते। वलविजतमऊला, अगर सारे लोग जमा हो जाए, पत्थर तो जमा नहीं हो सकते ना, तो जमा होने का क्यों कहा अल्लाह ने यहां? तो इसका मतलब जो अकल सूझबूझ रखते हैं उनको भी अल्लाह की इबादत में मिलाया जाए, अगर वो लोग जमा हो जाए एक मक्खी को नहीं पैदा कर सकते। पत्थर जमा होते हैं, बताइए पत्थर लकड़ियां एक जगह जमा हो सकती है, तो अल्लाह ने कहा ना जमा हो जाएंगे लोग, तो इसका मतलब इसमें रद है उन लोगों का जो कब्र वालों को पुकारते और कहते हैं कि ये शिर्क नहीं है। अल्लाह ने सबको कहा है, क्योंकि जमा इंसान हो सकता है, जिन जमा हो सकते हैं, फरिश्ते जमा हो सकते हैं, पत्थर एक जगह जमा नहीं हो सकते हैं। पत्थर पत्थर को बुलाएगा, आओ आओ भाई एक मक्खी पैदा करेंगे, नहीं हो सकता है। लेकिन इंसान इंसान को बुला सकता है, सारे इंसान जमा हो सकते हैं, आओ हम सब मिलकर एक मक्खी पैदा करें। तो अल्लाह कह रहा है जिनको तुम पुकारते हो ना अल्लाह के सिवा, ये लोग सारे जमा होकर एक मक्खी नहीं पैदा कर सकते जो मामूली मखलूक है। तो जब मक्खी नहीं पैदा कर सकते तो इससे बड़ी चीज कैसा पैदा कर सकते हैं? नहीं, तो इसका मतलब मक्खी पैदा करने की इनके अंदर ताकत नहीं है। एक नंबर दो, अगर मक्खी कोई चीज लेकर जाए, वही यसलुब हो तुवाब शैया, सब कहते छीनना, मक्खी इनकी कोई चीज छीन ले और लेकर जाए, ला यस्तन्किदूहु मिन, ये सारे लोग जिनको तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो, ये सब मिलकर अपनी कुदरत, अपनी कुव्वत, अपनी ताकत लगाकर पकड़ो मक्खी को, पकड़ो मक्खी को, मक्खी हमारी एक चीज उठाकर ले जा रही है, सारे मिलकर उस उड़ती हुई मक्खी को पकड़कर उस मक्खी से अपनी छीनी हुई चीज वापिस नहीं ला सकते। जरा गौर कीजिए मेरे साथ मुअज्जज रोजेदारों, अल्लाह की इबादत करने वालों, मुसलमान भाइयों, मुसलमान बहनों, जो शिर्क से बचे हुए हैं वो भी सुने, जो शिर्क में मुब्तला है वो भी सुने, अल्लाह के लिए शिर्क छोड़ दीजिए। देखिए क्या कह रहा है अल्लाह, पूरे मिलकर इनकी कमजोरी को अल्लाह ताला यहां बयान कर रहा है। मक्खी से, मक्खी जो छीन कर ले जाए, मक्खी क्या चीज लेकर जा सकती है छीन? मक्खी का साइज आपको पता है, क्या मिसाल अल्लाह ने दी है। अब मक्खी क्या चीज उठा के ले जाएगी, बोलो? लड्डू, दूध पेड़ा, रोटी का टुकड़ा, कुछ चावल, कुछ ग्राम गोश्त? नहीं, मक्खी कितनी, मक्खी के हाथ कितने, मक्खी के पैर कितने, मक्खी का मुंह कितना, वो लेकर जा रही है। तो कमजोरी का आलम इनका यह है, इनको जिनको तुम पुकारते हो अल्लाह को छोड़कर, अल्लाह कवी, अजीज, गालिब, समी, अलीम, बसीर,
उसको छोड़कर तुम जो गैरुल्लाह को पुकारते हो, इनकी कमजोरी का आलम यह है न मक्खी पैदा कर सकते सारे जमा होकर, न सारे जमा होकर मक्खी से छीन सकते हैं चीज जो चीज लेकर मक्खी चली गई। ये इतने आजिज है, इतने कमजोर है। फिर जब इतने कमजोर ये है, इतने आजिज है, न पैदा कर सकते हैं ना वापस चीज को ला सकते हैं उठाकर ले जाए मक्खी, तो फिर एक अकलमंद कैसे इनकी अल्लाह के सिवा इबादत करेगा। उलमा कहते हैं अल्लाह ने शिर्क को बातिल करने के लिए इससे बड़ी कोई मिसाल नहीं दी है, सबसे बड़ी मिसाल है, लेकिन लोगों की जहालत है। शैतान खेलते हैं अकलों के साथ लोगों के, जैसे बच्चे फुटबॉल से खेलते हैं। मैदान जाइए, फुटबॉल ग्राउंड, बच्चे जो है छोटे बच्चे जाइए, मस्जिद के पास भी देखिए, बच्चे खेलते हैं। वो बच्चा उधर फेंक रहा है उस बॉल को, उधर फेंक रहा है बॉल को, कूड़ा है ना कूड़ा बॉल फुटबॉल, उसको जैसे जाए खेलते। तो वैसे इन जाहिलों की अकलों से, इंसानों की अकलों से शैतान खेलते हैं। वरना तो ये हकीकत है जो यहां इस आयत में अल्लाह ने बयान की है कि कैसे इनको पुकारा जा रहा है अल्लाह के सिवा, जो इतने कमजोर, इतने आजिज। और आजिज आजिज को पुकार रहा है, अजीब। तफसीर में बड़ी अच्छी, बड़ा अच्छा एक जुमला मिला, मैंने नोट किया यहां पर कि देखिए कमजोर, देखिए जरा अकलों को देखिए, लोगों की जहालत देखिए, शैतान ने कैसे जो है पर्दा डाल दिया है, कैसे तौहीद से दूर रखा है। देखिए एक कमजोर दूसरे कमजोर को पुकार रहा है, एक कमजोर दूसरे कमजोर से नाता जोड़ा हुआ है, एक कमजोर अपना दिल लगाया हुआ है दूसरे कमजोर से, ये कमजोर वो कमजोर। इंसान कमजोर है या नहीं है बताइए, मोहताज है, आजिज है, उसको जो है मांगना है, मांग रहा है ना भाई, मांगने वाला कमजोर, जब भी कमजोर ना होता तो मांगेगा क्यों, सब कुछ होता तो मांगता नहीं ना, समझ रहे हैं ना बात को, अगर सब कुछ होता तो मांगता क्यों, मांग रहा है क्योंकि शुरू में क्या है, इन्नल्लज़ीन तद्उना मिन दूनिल्लाह, यकीनन वो लोग जिनको तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो, पुकार रहा है क्योंकि उसको चाहिए, ही नीड, शी नीड, वी नीड, हमें चाहिए, तो हम कमजोर हैं। अच्छा, कमजोर कमजोर को पुकार रहा है, आजिज आजिज से नाता जोड़ा हुआ है। अजीब, देखिए अकलों पर कितने पर्दे पड़े हुए हैं। और अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ कोई सुनने वाला, देने वाला, अता करने वाला, रज़्ज़ाक, उसको छोड़कर ऐसी आजिज मखलूक को पुकारा जा रहा है। इसीलिए आयत के आखिर में कहा गया ज़ौफ़ अत्तालिब वल मतलूब, दोनों कमजोर, तालिब भी मतलूब भी, तालिब मांगने वाला, मतलूब जिसको मांगा जाए। इसकी दो तफसीर बयान की गई है, एक माना तालिब इलाह, बातिल इलाह, बातिल माबूद, बातिल माबूद, और मतलूब से मुराद मक्खी। ये एक तफसीर है, दोनों कमजोर है, यानी मक्खी भी कमजोर है, ये बाबो माबूदाने बातिल जो है ना, जिनकी इबादतें हो रही है, चाहे वो पत्थर हो, शजर हो, हजर हो, जो हमने तफसीर बयान की, ये सब कमजोर है। उनकी कमजोरी है कि ये सुन नहीं सकते, ये हरकत नहीं कर सकते, ये देख नहीं सकते। अजीब, सुन सकते, जैसे इब्राहिम सलाम ने बुतों को तोड़कर अपनी कौम को समझाया था, इनसे पूछो ना अगर ये बात कर सकते हैं, ये सुन सकते हैं, ये देख सकते हैं। और ये कब्र में जो सो रहे हैं, क्या उनको पुकारो, बाबा बाबा सुनेगा, बाबा सुनेंगे, जी जी भी नहीं आएगा, मुर्दा है ना भाई, मुर्दे हैं। कब्रों की जिंदगी बरज़ख की जिंदगी है, ठीक है, लेकिन वो जिंदगी दुनियावी जिंदगी से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। इसीलिए कब्र में है वो लोग, उनको नहीं पता बाहर क्या हो रहा है। वो नेक थे तो अपने नेक अमाल का फायदा कब्र में उठा रहे हैं, वो औलिया थे, हम मानते हैं औलिया को भाई, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि शिर्क मत करो। अगर अल्लाह के वली थे वो, अल्लाह के औलिया थे, वो अपनी नेकियां, अपनी इबादतें अपने कब्र में लेकर चले गए, जन्नत की हवाओं में वो रहेंगे अगर वाकई उनकी नेकियां अल्लाह ने कबूल की। अगर वो बुरा है तो कब्र में अजाब में है, वो अच्छा है तो नेमत में है, बुरा है तो अजाब में है। अब उसका इंसान से क्या ताल्लुक, इंसान खुद उसको नहलाता, भाई औलिया को गुस्ल नहीं दिया गया, क्यों खुद गुस्ल क्यों नहीं कर लिया, वो बात समझ नहीं कि भाई काम है, बताओ वक्त खत्म हो रहा है, मुख्तसर दर्ज है। आप थोड़े पॉइंट्स पर गौर कीजिए भाई, बड़े से बड़े वली को भी, पैगंबरों को भी कब्रों में दफन किया गया ना मेरे भाई, दफन कर दिया गया ना मेरे भाई, तो फिर
इंसान कमजोर है भाई, चाहे वो बड़ा सा बड़ा दर्जे का क्यों ना हो। और अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात बीच में कॉल आ गई थी, डिस्कनेक्ट हो गया था शायद, ठीक है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात कवी है, अता करने वाला देने वाला रब्बुल आलमीन। अल्लाह कह रहा है वक्फ الطالب والمطلوب, ये माबूद कमजोर है और मक्खी भी कमजोर है। या दूसरा माना बयान किया गया कि इनको पुकारने वाला यानी जो गैरुल्लाह को पुकारते हैं, गैरुल्लाह की इबादत करे वो लोग कमजोर, और जिनको पुकारा जा रहा है वो भी कमजोर, दोनों कमजोर। आबिद माबूद, माबूद बातिल है, माबूद हकीकी अल्लाह है, ये भी कमजोर वो भी कमजोर, और सब माना शामिल है। उलमा लिखते हैं कि कोई भी तफसीर इसकी कीजिए तालिब मतलूब की, यानी मांगने वाला जिससे मांगा जा रहा है, या तालिब मतलूब, दोनों कमजोर है, चाहे तालिब माबूद हो या तालिब इबादत करने वाला हो, और मतलूब जो है या मक्खी हो, मतलूब चाहिए ना मक्खी को पकड़कर वापस अपनी छीनी हुई चीज को ले जा वापस लाए अपनी जगह पर, तो वो मतलूब है, उसको तलब किया जा रहा है मक्खी को, सब मिलकर वो भी कमजोर है, ठीक है। या दूसरा माना जो उलमा ने बयान किया है कि मतलूब यानी जिससे दुआएं की जा रही हैं गैरुल्लाह, वो भी कमजोर। कहने का मतलब दोनों कमजोर हैं, जब दोनों कमजोर हैं तो फिर कैसे जो है शिर्क सही हो सकता है, ये मतलब। तो फिर कमजोर कमजोर को ना पुकारे, होता क्या है आप बताइए, अकल में बात है कि वही तो कहना शैतान खेल रहा है वो बॉल जैसे बच्चे खेलते हैं भाई, एक कॉमन सेंस बताइए मुझे आप, एक कमजोर किसके पास जाएगा, कॉमन सेंस जिसको कहते हैं अकली बात, अकल से सोच के बताइए एक चीज कि कमजोर ताकतवर के पास जाएगा कि भाई आप हमारी मदद कीजिए, क्योंकि इसको मदद चाहिए। अब हमारे पास अल्लाह है जो रब है हमारा, खालिक है, मालिक है, कौई है, गालिब है, उसके हुक्म के बगैर पत्ता नहीं हिलता, हर चीज उसके हुक्म के ताबे है, कोई चीज करना चाहे तो हो जा कहता है वो चीज हो जाती है, इतना पावरफुल रब, कोई फिर सारी मिसालियां उसकी कुव्वत की, उसके हुक्म से हवाएं चलती हैं, सारी कायनात उसके हुक्म के ताबे है, बेशुमार उसकी जो है मिसालें हैं उसकी कुदरत के जो आसमान और जमीन में फैले हुए हैं। देखिए ये कोरोना देखिए, है ना, COVID-19 फिलहाल वक्त खत्म हो रहा है, देखिए पूरी दुनिया परेशान, अल्लाह की कुदरत का नजर नहीं आती है, वो जो वायरस है ना वो नजर नहीं आता, उड़ता हुआ नजर नहीं आता है, उसको आप टच नहीं कर सकते, उठा नहीं सकते हाथ, ये अल्लाह की कुदरत का अंदाजा लगाइए कितना कवी है अल्लाह रब्बुल आलमीन, लिहाजा उसकी इबादत की जाए, उस कवी माबूद हकीकी अल्लाह रब्बुल आलमीन को छोड़कर कमजोर की इबादत करना, लाचार जो खुद मोहताज है, जिनको रहमतुल्लाह अरे रहिमहुल्लाह अल्लाह उन पर रहम फरमाए, अल्लाह से दुआएं करते हैं उनके लिए, अब उनको पुकार रहे हैं, उनसे मांग रहे हैं, उनसे नाता जोड़ रहे हैं, गलत शिर्क है, इससे तौबा करना चाहिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन कवी अजीज की इबादत करना चाहिए। इसीलिए आगे बयान किया गया वमा कदरुल्लाह हक कदरही, वमा कदरुल्लाह हक कदरही, जैसे अल्लाह की कदर करनी थी वैसे इन लोगों ने अल्लाह की कदर नहीं की, लिहाजा अल्लाह की हम कदर करें और अल्लाह का हक अल्लाह को दें, अल्लाह के साथ किसी और को मत पुकारें, शिर्क से तौबा कर लें, अपना दिल गैरुल्लाह से न लगाएं, नाता न जोड़ें कमजोरों से, हम कमजोर हैं, हम आजिज हैं, अल्लाह कवी है, हम सब उसके मोहताज हैं, अंतुमुल फुकरा इलल्लाह, हम सब अल्लाह के मोहताज हैं, और वो गनी बेनियाज तारीफों वाला है, लिहाजा हम अपना नाता उस गनी से जोड़ें, उसको पुकारें, वो देगा, उसके खजाने भरे हुए हैं, वो अता करने वाला देने वाला है। अल्लाह ताला मुझे और आपको इसकी तौफीक अता फरमाए, अल्लाह ताला इस मिसाल पर गौर, इस मिसाल को गौर से सुनने, गौर से हमने सुना तो होगा यकीन समझने की, अल्लाह ताला सबको तौफीक दे और तौहीद के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाला बनाए, शिर्क से हमेशा हमें महफूज रखे, आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।